आपकी कल्टस EFI और ये आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे लगा हुआ है इसका मैप सेंसर। मैप सेंसर के नीचे आप देखेंगे तो ये एक पाइप सा लगा हुआ है और ये पाइप लगा हुआ है और वापस ये जा रहा है आपके मैनिफ्यूल के अंदर। और दोस्तों carelectricdoctor.com हमारी वेबसाइट है और कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर दराज पे हमारा स्टोर है ऑनलाइन स्टोर के, जिस पे आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सी भी चीज़ आपको चाहिए हो तो आप ऑनलाइन उसका ऑर्डर घर बैठे कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए विज़िट करेंगे आप carelectricdoctor.com और कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर दराज। इसी तरह से हमारी जो वेबसाइट है carelectricdoctor.com, इसके ऊपर हर किस्म की आपकी गाड़ी के मतलब मालूमात, उसमें कोड कौन से आते हैं, उसमें किस किस्म का मसला आ जाए तो उसको कैसे आप हल कर सकते हैं, इस किस्म की तमाम मालूमात हम कुछ मौजूद हैं और बहुत सारी आने वाली हैं। तो carelectricdoctor.com पे विज़िट कीजिए प्लीज़। इसकी तीन वायर्स हैं और तीन वायरों की मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा इसके कंप्यूटर के बारे में तो वो उसकी वायरिंग में आपको बताऊंगा। इसमें तीन वायर्स होती हैं, एक में VCC का करंट आता है यानी 5 वोल्ट का, एक में आता है नेगेटिव करंट और एक सिग्नल होता है आपके इस सेंसर का। ये सेंसर क्या करता है कि ये यहाँ पे से अंदर जाने वाली एयर की क्वांटिटी जो है उसको मापता है। तो मैप सेंसर का ये काम होता है कि एयर जो अंदर जा रही है तो उसकी क्वांटिटी को नापता है। तो ये था जी आपका सुजुकी कल्टस का मैप सेंसर के बारे में। जी दोस्तों, सुजुकी कल्टस EFI है और इस ये देख रहे हैं आप मेरे सामने यहाँ पे ये TP सेंसर लगा हुआ है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। ये कैसे काम करता है कि जब भी हम यहाँ से गाड़ी को यहाँ से एक्सीलेट करते हैं तो यहाँ से बीच में से ये राड लगा हुआ है जो कि कनेक्ट है आपके इस सेंसर के साथ। इसको जब भी हम यहाँ से दबाएंगे और ये सेंसर भी अंदर से मूव करेगा और ये अपना सिग्नल भेजेगा कंप्यूटर को। इसमें भी तीन वायर्स हैं, एक में VCC 5 वोल्ट करंट होता है और एक आपके सिग्नल की और एक इसके अंदर अर्थ आता है। और जब हम आगे कंप्यूटर को पढ़ेंगे तो आपको पिन आउट में बताऊंगा तो आपको सही से बाकी समझ भी आ जाएगी।